वेलकम इन वीकेजी एजुकेशन। टुडे आई राइट एसे ऑन रिपब्लिक डे। आज हम गणतंत्र दिवस पे इंग्लिश में निबंध लिखेंगे और उसे हिंदी और इमेज के माध्यम से उसे समझाएंगे। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिस नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म बाय ऑल इंडियंस। यह राष्ट्रीय त्यौहार सभी भारतीयों के द्वारा बेहद खुशी तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यह पर्व लोकतांत्रिक गणराज्य होने के महत्व को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दिस डे हैज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस दिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। ऑन दिस डे द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड इन ऑल स्कूल्स कॉलेजेज एंड अदर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इस दिन पूरे देश में सभी स्कूल कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे। द प्रोग्राम ऑफ रिपब्लिक डे बिगेंस विथ ग्रीटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शहीद ज्योति इन द मॉर्निंग। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सुबह प्रधानमंत्री के शहीद ज्योति के अभिवादन से शुरू होता है। The Prime Minister first of all pays tribute to the Shahid on behalf of the nation by visiting the lit Shahid Jyoti at India Gate। प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले इंडिया गेट पर प्रज्वलित शहीद ज्योति पर जाकर अपना अभिवादन करके राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आफ्टर दिस द प्रेसिडेंट्स राइड लीव्स फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टुवार्ड्स विजय चौक। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक की ओर निकलती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन The President is accompanied by Chief Guest invited on Republic Day। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के साथ में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित मुख्य अतिथि भी होते हैं। Hail the Chiefs of Three Armies welcome the President। हाँ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। After this, the President accepts the greetings of Prime Minister and accepts the easy reception। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हैं। Then after flag hoisted and national anthem, the Republic Day parade is started। फिर झंडारोहण और राष्ट्रीय गान के बाद गणतंत्र दिवस की परेड का आरंभ किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस का इतिहास। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स मीटिंग ऑन 28 अगस्त 1947। आज़ादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1947 की मीटिंग में भारत के अस्थाई संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। ऑन 4th नवंबर 1947 द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्लेस्ड इन द हाउस अंडर द चेयरमैनशिप वाज प्रिपेयर्ड इन 2 years 11 months and 18 days। 4 नवंबर 1947 को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्ररूप को सदन में रखा गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। फाइनली वॉच ऑफ वेटिंग इंडेड विथ इम्प्लीमेशन ऑन 26 जनवरी 1950। आखिरकार इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू होने के साथ खत्म हुई। अलोंग विथ दी प्लेज ऑफ पूर्ण स्वराज वाज ऑल्सो रिस्पेक्टेड, साथ ही पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा का भी सम्मान हुआ। एपिलॉग, दिस नेशनल फेस्टिवल फुल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस नेशनल फेस्टिवल फुल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकम्स मोर स्पेशल व्हेन डिफरेंट स्टेट्स डिस्प्ले देयर कल्चर ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस थ्रू टेबलू ऑन द राजपथ। विविधता में एकता से भरा यह राष्ट्रीय पर्व और खास हो जाता है जब राजपथ पर अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति परंपरा और प्रगति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अलोंग विथ दिस यू हैव रिप्रेजेंटेड योर स्टेट्स विथ फोक डांस इन फोक डांस ट्रूप्स ऑल द ट्रूप्स captivate everyone with their art, with their customs. Similarly, there are many programs with singing, dancing, and musical instrument. followed by the program. इसी के साथ लोक नृत्यक मंडलीय अपने लोक नृत्यकों के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए मंडलीय अपनी वेशभूषा के साथ अपनी कला से सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह गायन नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ अनेक कार्यक्रम होते हैं। At the end of the ceremony, Air Force planes pass over Vijay Chowk, releasing a colored gas indicating the national flag in the sky. Jai Hind, Jai Bharat. Subscribe BKG Education.